हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने खनन घोटाले पर आई सीएचई रिपोर्ट पर कहा कि खनन की जांच होनी चाहिए, चाहे फिर सीबीआई करे या हाईकोर्ट। इस दौरान हुड्डा ने गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया, यहां तक कि अभी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं आया। साथ ही अनिल विज के बयान पर हुड्डा ने कहा कि मैं भी हरियाणा का नागरिक हूं और सब जानना मेरा अधिकार है। एक ही बात है, जांच होनी चाहिए, चाहे सीबीआई करे चाहे हाईकोर्ट का सिटिंग जज करे, जांच करवाओ। मैं साल में तो अभी कोई काम होता है, कहने तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही नहीं आया। जब तक सीएमपी ना दे, प्रोग्राम ही ना आएगा, तो किस दिशा में जाएगी सरकार, अभी तो पता ही नहीं है।